कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों, फाइनली जो है वो आज हिंदुस्तान ने बांग्लादेश को भी घुसा दिया लेकिन आज थूक नहीं लगाया आज सूखा घुसा दिया इंडिया की एक और डोमिनेटली किस्म की जीत, बाबर कहते हैं यह डोमिनेट करना होता है, इस तरह से डोमिनेट करते हैं भाईजान, कमाल की ब्रिलियंट किस्म की प्रॉपर प्रोफेशनल जीत। सबके घंटे बजा दिए आज इंडिया ने, इंडिया ने बता दिया कि उनको वर्ल्ड कप जीतने से कोई टीम नहीं रोक सकती। और भाई मेरे बाबर का घंटा भी बजाया था इंडिया ने, आज बंगालियों का घंटा भी बजाया। ये अपना किंग है, ऐसे ही तो लेके नहीं लगाया हुआ जी भाई। अब्बू जी आप क्रिकेट बिग फैन ऑफ किंग कोहली, आज कोहली में बात है भाई जान, कोहली को, कोहली जो है ना आपको पता ही है क्रिकेट को इज्जत मिल गई है कोहली की वजह से। इस टाइम अपनी परफॉर्मेंस में जा रहा है, पाकिस्तान जैसी टीम नहीं उन्होंने जीतने दी, तो ये बांग्लादेश क्या चीज है, उनका मुकाबला कर सकते हैं? हम नेदरलैंड का मुकाबला नहीं कर सकते, हम लोग इंडिया है, इंडिया का तैयार, इंडिया का तो मैं कहती इस टाइम कोई मुकाबला नहीं। आज बांग्लादेश रुड़ गए, बांग्लादेश को धुल गए आज तो वो। अपनी टीम को इंडिया जैसी पोजीशन पे कब देखेंगे? हम देख सकते हैं, कब्र में जाके फौत हो जाए तो हम देख सकते हैं। विराट किंग कोहली ने घंटा बजा दिया आज भाईजान बांग्लादेश का, जिस तरह की किंग कोहली ने आज बैटिंग की है, किंग कोहली ने बता दिया कि वो क्रिकेट का अब्बू है। क्या कमाल की बैटिंग किया भाई साहब, विराट कोहली ने, रोहित शर्मा ने और शुभमन गिल ने, और साथ में केएल राहुल ने भी अच्छी खासी जो बैटिंग की है। दिस इज द किंग भाई, क्रिकेट का कोई बेस्ट आज बात चाहो तो किंग विराट कोहली ने एक बार फिर प्रूव करके बता दिया भाईजान के क्रिकेट का किंग कौन होता है। कमाल किस्म का 197 बाल। तो वर्ल्ड कप में तो भाई इंडिया की टीम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, 4 के मैच अपने जो जीत गई है। नमस्कार दोस्तों, तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हरा दिया, जिसमें विराट कोहली ने क्या जबरदस्त पारी खेली है। वहीं आपको बता दें कि विराट कोहली ने 97 गेंदों में 103 रनों की शानदार शतकी पारी खेलकर अपने टीम को 7 विकेट से जिता दिया, जिसमें रोहित शर्मा ने भी काफी अच्छी बैटिंग की थी और सुमन गिल ने भी शानदार अर्धशतक मारा, जिसके वजह से भारतीय टीम इस स्कोर को हासिल कर लिया। वहीं आपको बता दें कि भारतीय टीम लगातार 4th मैच अपना जीत लिया है। सबके घंटे बजा दिए आज इंडिया ने, इंडिया ने बता दिया कि उनको वर्ल्ड कप जीतने से कोई टीम नहीं रोक सकती। और भाई मेरे बाबर का घंटा भी बजाया था इंडिया ने, आज बंगालियों का घंटा भी बजाया। मुझे वो बंदे चाहिए जो सुबह बैठ के बकवास कर रहे थे ट्विटर के ऊपर पाकिस्तान में कि आज भी अपसेट होगा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, कुछ घंटे बकवास कर रहे थे बैठ के कि आज भी अपसेट होगा, आज बांग्लादेश इंडिया को हराएगा, देख लो कौन हारा है कौन जीता है। विराट किंग कोहली ने घंटा बजा दिया आज भाईजान बांग्लादेश का, जिस तरह की किंग कोहली ने आज बैटिंग की है, किंग कोहली ने बता दिया है कि वो क्रिकेट का अब्बू है, कि वो क्रिकेट का अब्बू है। ओ मेरे घंटे के किंग, मेरे घंटे के किंग, मेरे घंटे का फैंस किधर है, ओ मेरे घंटे का फैंस किधर है, अब्बू चल गया पीछे, उसने घंटा बजा दिया भाई बांग्लादेश का, बांग्लादेश को भाईजान पकड़ के मरोड़ दिया। किधर गए वो लोग जो सुबह बैठ के कह रहे थे कि यार बांग्लादेश आज अपसेट करेगा इंडिया को, क्योंकि इंडिया, और भाई इंडिया ने पाकिस्तान का भी घंटा बजाया था। इंडिया की एक और डोमिनेटली किस्म की जीत, बाबर कहते हैं यह डोमिनेट करना होता है, इस तरह से डोमिनेट करते हैं भाईजान, कमाल की ब्रिलियंट किस्म की प्रॉपर प्रोफेशनल जीत। मैंने आप लोगों को बोला था यार इंडिया आराम से कून से जीत जाएगा, इंडिया ने आराम से कून से जीत दिखाई। बट मजे की बात यह है कि रॉयल सुपर हिटमैन शर्मा की बैटिंग देखने को मिली, गिल का, हैदराबाद के प्रिंस का, अपने दिलों का प्रिंस का, हमारे जो है ना उसकी बैटिंग देखने को मिली। थोड़ा सा सारा भाभी की वजह से जल्दी कर ली, गिल ने बोला थोड़ा भाई अब एटीट्यूड तो बनता है, सारा भाभी के ड्रेसिंग रूम वाली साइड पे मारूं तो उस चक्कर में गिल जो है आउट हो गया। एनीवे गिल जल्दी ही शादी वादी कर लेगा लगता है जो आज देख के, तो कांग्रेचुलेशंस गिल को एडवांस से पाकिस्तान में भाईजान। बट व्हाट अ परफॉर्मेंस गिल की परफॉर्मेंस आई, रॉयल सुपर हिटमैन शर्मा की आई, उसके बाद किंग कोहली ने भी सही बैंड बजाई, मतलब 114 यार, 114, ये अपना किंग है, ऐसे ही तो लेके नहीं लगाया हुआ जी भाई। अब्बू जी आप क्रिकेट, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को नहीं छोड़ा, इंडिया ने भी अगर न्यूजीलैंड का घंटा बजाना है तो इंडिया हारेगा किससे, ये बंगालियों से, ये क्या है भाई, किस तरह की एक डेड, मैं कहता हूँ फ्लैट ट्रैक के ऊपर पहली तो बात है, जिस तरह की इंडियन बॉलर्स ने बॉलिंग की है, उसके बाद इस पिच में टर्न था ही नहीं, और पिच में टर्न था ही नहीं फिर भी इंडिया के स्पिनर चले, इंडिया के स्पिनर ने घंटा बजाया, उसके बाद आके जिस तरह की बैटिंग की, ऊपर से रोहित शर्मा ने जो पुल शॉटों पे छक्के मारे हैं रोहित शर्मा ने, फिर गिल, और भाई शुभमन गिल ने भी मेरे घंटे से नंबर 1 पोजीशन ले ली है, मेरा घंटा अब नंबर 1 नहीं रहा, क्योंकि गिल को 150 चाहिए था वो उसने ठोक दिया। कल अगर बाबर आजम कुछ ना कर सका तो मेरे बाबर का घंटा बज जाएगा, मेरे बाबर का घंटा बज जाएगा, क्योंकि भाईजान इंडिया 4 मैचेस में से 4 जीत के नंबर 1 पे चला गया है, इंडिया 4 में से 4 जीत के ग्रुप पे टॉप पे है, और वो सेमीफाइनल में जा रहे हैं न्यूजीलैंड के साथ,
और हमारा आगे भी पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं कि हमने जाना या नहीं। कोहली में बात है भाई जान, कोहली को, कोहली जो है ना आपको पता ही है क्रिकेट को इज्जत मिल गई है कोहली की वजह से। बहरहाल कमाल किस्म की प्रॉपर प्रोफेशनल किस्म की टीम इंडिया की जीत भाई जान, टीम इंडिया इज जस्ट लाइक अनबीटन, मतलब अभी तक कोई टीम आई नहीं है, हराना तो दूर उनके क्लोज भी पहुंचे। आप पहला ऑस्ट्रेलिया वाला मैच भी देख लो, एक आधे सेशन में क्लोज पहुंचे, उसके बाद जब गेम सेट हुई आया के एल राहुल के हाथ में, जब गेम सेट हुआ विराट कोहली के हाथ में आया तो ऑस्ट्रेलिया को भी बड़े मार्जिन से हराया। ये टीम इंडिया थम नहीं रही, ये टीम इंडिया रुक नहीं रही, मतलब व्हाट अ प्रोफेशनल परफॉर्मेंस। बिल्कुल बॉलिंग से स्टार्ट कर लो, आप बॉलिंग में भी देख लो, बुमराह ने जो बॉलिंग की आउटस्टैंडिंग, जो बॉलिंग जडेजा ने की, फिर कुलदीप यादव ने की, हर एक बॉलर ने जिस तरह से बॉलिंग की वो माइंड ब्लोइंग थी, उसका कोई मैच ही नहीं। अगर इस वक्त कोई प्रॉपर कोई ऐसी टीम है जो नजरे बद से अल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह नजरे बद से बचाई टीम इंडिया को, एक आधी टीम ही है जो इस वक्त नजरे बद से बची हुई है, वो टीम इंडिया है। क्योंकि भाई आपका अब्बू विराट कोहली चल गया, मैंने प्रेडिक्शन की थी अगले मैच में कोहली का 100 आ रहा है, मैंने प्रेडिक्शन की थी। आपको पता है जब मैं विराट कोहली के 100 की प्रेडिक्शन कर दूं और फिर गलत नहीं होती, मेरे घंटों अब्बू चल गया। अब्बू आप बोलो क्रिकेट का अब्बू कौन है? क्रिकेट का अब्बू विराट कोहली, वो हर टाइम बताता रहता है, हर टाइम बताता रहता है। लेकिन ये कुछ पाकिस्तानी है जो जो लाइन से उतर जाते हैं, ये अपने अब्बू बदल लेते हैं क्रिकेट के। क्रिकेट का फादर एक ही है, क्रिकेट का अब्बू एक ही है, उसका नाम है विराट किंग कोहली। और आज जिस तरह की विराट कोहली ने बैटिंग किया, जिस तरह का वो फास्ट बॉलर्स को खेला है, जिस तरह का वो स्पिनर को खेला है, जिस तरह उसने असलम महमूद को सामने छक्का मारा था ना भाई, मैं कहता हूं मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। और मेरे घंटे कब रन करेगा, मेरा घंटा कब रन करेगा, ये कभी भी रन नहीं करेगा भाई। मैं बाबर आजम से ये डिमांड करता हूं कि इस तरह की बैटिंग कर, मैच फिनिश करके जा, मेरे घंटे तू कब इस तरह की बैटिंग करेगा, ये कभी भी इस तरह की बैटिंग नहीं करेगा। बहुत पावरफुल टीम है, उसने जीतना था, लेकिन मैं आज ना बांग्लादेश को मैं सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि वो कहते ना कि पावरफुल का जो तो ताकतवर का तो हर कोई करता है, उसे सपोर्ट करता ही करता है, लेकिन मैं आज बांग्लादेश को सपोर्ट कर रही थी। कोई बात नहीं, अगर वो लोग हार भी गए तो आगे से अपनी नीयत और मजबूत करें और कोशिश करें तो इंशाल्लाह वो लोग भी अचीव करेंगे। नहीं, ये बात आपने बहुत अच्छी की कि हमेशा पावरफुल को भी लोग कहते हैं कि ये टीम मेरी फेवरेट है, ये बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन बांग्लादेश टीम आज पूरी भरपूर कोशिश की। इंडिया मेरी खुद की भी फेवरेट टीम है, उसमें विराट है, मैं विराट को ही मैं सपोर्ट करती हूँ, लेकिन मैं आज बांग्लादेश को मैं सपोर्ट किया, क्योंकि मैं कहती हूँ कि वो ताकतवर प्लेयर सारे ही करते हैं सपोर्ट, तो मैं आज कुछ अलग करके दिखाऊँ सब। इंडिया इस टाइम अपनी परफॉर्मेंस में जा रहा है, पाकिस्तान जैसी टीम नहीं उन्होंने जीतने दी, तो ये बांग्लादेश का चीज़ है, वो जो वेल परफॉर्मेंस कर रहे हैं उनका इंशाल्लाह वो नज़र आ रहा है कि T20 वर्ल्ड कप वो ले जाएंगे, क्योंकि जो सूरत हाल दूसरी टीमों की परफॉर्मेंस में नज़र आ रही है वो इस चीज़ पर नज़र कभी भी नहीं आएगी। मैंने तो उस दिन का मैच देखने छोड़ दिया जिस दिन का पाकिस्तान हार गया, क्योंकि ये जब पाकिस्तान को सपोर्ट करें ये तब ही पाकिस्तानी टीम को जलील करते हैं। ये तो बात आपने बिल्कुल सही की है कि पाकिस्तानी टीम को हम बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी टीम ऐसा परफॉर्म नहीं कर पा रही। इस वक्त इंडिया के 3 बल्लेबाज टॉप 10 में आ रहे हैं, बाबर आजम का नाम तक नहीं है वहाँ पर। बाबर आजम का नाम कहाँ में होना, जब ये परफॉर्मेंस ही नहीं दे रहे, ये देखते हैं पैसे को, सिर्फ पैसे को तरजीह दे रहे हैं। जब पैसे को तरजीह देंगे पाकिस्तान मुल्क का नाम चाहे बदनाम हो रहा है, इन जैसों को क्या फर्क पड़ना है, ये तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे, इनको दिखा देनी पैसा है बस, ये जीतते भी होंगे तो अगले मैच का बेड़ा गर्क कर देंगे। अगर बॉलर्स की बात की जाए तो शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस शरीफ, हमारे पास बड़ा जबरदस्त फायर नजर आता था, लेकिन आज बुमराह, जसप्रीत बुमराह तीसरे नंबर पर आ गए वर्ल्ड बेस्ट बॉलर्स में। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया भारतीय टीम की जमकर तारीफ कर रही है, क्योंकि भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हरा दिया है। वहीं आपको ये भी बता दें कि भारतीय टीम लगातार 4 मैच लगातार जीतती हुई आ रही है, क्योंकि पिछले मैच में जिस तरह से पाकिस्तान को बुरी तरीके से हराया, उसी तरह से इस मैच में भी भारतीय टीम ने बांग्लादेश को बुरी तरह से 7 विकेट से हराया, जिसमें विराट कोहली ने क्या जबरदस्त बैटिंग की है आप देख सकते हैं। वहीं आपको ये बता दें कि जिस तरह से विराट कोहली ने 97 गेंदों में 103 रनों की पारी खेली, उन्होंने मतलब लास्ट में ऐसा लग रहा था कि उनका 100 नहीं हो पाएगा, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की और लास्ट बॉल पर छक्का मारा, उसके वजह से भारतीय टीम तो जीत गई लेकिन विराट कोहली का भी शतक पूरा हो गया। वहीं आपको ये बता दें कि रोहित शर्मा ने भी काफी शानदार बॉलिंग की, मतलब बैटिंग की, उसके बाद से सुमन गिल ने भी काफी शानदार अर्धशतक बनाया और भारतीय गेंदबाजों ने भी काफी कमाल के प्रदर्शन दिखाया, जिसके वजह से भारतीय टीम मतलब अच्छे स्कोर तक बनाने नहीं दिया बांग्लादेश को, और एक छोटे से स्कोर को भारतीय टीम ने 7 विकेट से अपने नाम कर लिया। लेकिन इसमें भारतीय टीम के बल्लेबाजों को काफी ज्यादा अप्रिसिएट करने वाली बात यह है कि भारतीय टीम ने काफी जबरदस्त प्रदर्शन किया है, जिसमें खास करके विराट कोहली ने, क्योंकि विराट कोहली बड़े बड़े टूर्नामेंटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, खास करके जब चेस करना होता है उस समय विराट कोहली का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होता है। और जिस तरह से पांड्या का मतलब बीच मैच में चोट लगा था, उसके बाद से विराट कोहली ने उनका 3 बॉल भी कराया, जिसको लेकर पूरे क्रिकेट फैंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे कि विराट कोहली का बॉलिंग देखने को मिला, और बॉलिंग तो उधर देखने को मिला, उसके बाद से विराट कोहली ने इतनी ज़बरदस्त बैटिंग की
मतलब जिसको देखकर पूरी पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड है। और पाकिस्तानी मीडिया घंटे के किंग बाबर आजम से कंपेयर विराट कोहली का करती थी, लेकिन इन पाकिस्तानियों को भी पता चल गया है कि विराट कोहली है रियल किंग और बाबर आजम घंटे का किंग है और किंग रहेगा। लेकिन ये पाकिस्तानी मीडिया बाज नहीं आती है और कंपेयर करती रहती है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है और आपको कैसा लगा आज मैच देखकर, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।